हमारे नष्ट हो गए क्योंकि हमको उगा ही नहीं रहे, अब हमारे पास उनके बीज भी नहीं है। अब जैसे कौड़ी होता है, हो सकता है किसी ने सुना होगा, कौड़ी पहले होती थी वो पीले रंग की होती है, वो बीज जैसे झंगोरे के बीज होते हैं ना सफेद वाले, वैसे वो पीले होते हैं, उनको भी चावल के रूप में खाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, सब वैनिश हो गई चीजें, क्योंकि जब कोई उगा ही नहीं रहा तो उनके बीज भी नहीं है। पहले जमाने में जब हमारे दादी लोग होते थे, दादाजी लोग होते थे, तो उन्होंने खाया है। मैंने जब अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्हें पता था, मुझे भी नहीं पता था कौड़ी के बारे में, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया। वो सारी क्या होगी चीजें समाप्त हो, अब जब कोई उगाया नहीं तो खत्म हो जाएंगे बीज। अब इसीलिए सरकार क्या करनी चाहती है, इन चीजों को क्या करना चाहती है, फिर से प्रोत्साहन देना चाहती है कि आप इन चीजों को उगाओ और इन चीजों को खाओ। अब इनके कुछ फायदे हैं, क्या है मिलेट्स खाने के फायदे? सबसे बड़ा फायदा जो इनका है वो फायदा ये है कि इनको आप कम से कम पानी में उगा सकते हो। कोदा और झंगोरा उगाने के लिए अगर साल भर बारिश ना भी हो ना, तब भी ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे आपका धान है, धान में लगातार पानी लगाना पड़ता है। आप गेहूं उगाते हो क्योंकि यहाँ पर इस गांव में आप धान और गेहूं तो बहुत उगाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत पानी चाहिए। लेकिन जो हमारे ये जो ये मोटे अनाज हैं, जो ये मिलेट्स के बारे में जो बात हो रही है, सरकार भी इसलिए बोल रही है क्योंकि अब हमारे पास फसलों को उगाने के लिए पानी नहीं है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो गया है, तो सरकार इन चीजों को प्रोत्साहन दे रही है कि भाई आप इन चीजों को उगाओ, क्योंकि उसमें पानी क्या होता है, कम से कम जरूरत पड़ती है। बारिश नहीं भी होगा, आप पानी नहीं भी लगाओगे खेत में, तब भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दूसरा, शरीर को इसके बहुत फायदे हैं, स्वास्थ्य को बहुत फायदे हैं। जैसे आजकल क्या है, देखो हर दूसरा आदमी को क्या है, बीपी है, हर दूसरे आदमी को शुगर है, हमारे घर में जितने भी 50 साल से ऊपर के लोग हैं लगभग सबको शुगर है। जब हम इन चीजों को खाना शुरू करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो शुगर जो हम बढ़ता है हमारा, वो शुगर इनसे क्या होता है, बिल्कुल कंट्रोल रहता है, कभी बढ़ेगा नहीं शुगर आप लगातार इन खानों को खाते हो। हमारे दादा दादी को शुगर है क्या? बहुत कम होंगे कोई जिनको होगा, पहले तो होगा ही नहीं। आप अपने दादा दादी को देख लो, उनको भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पहले ऐसा खाना खाते थे। अब इस गांव में क्या होता है, कोदा झंगोरा भी लोगों ने खाना, आप क्योंकि आप उगाते ही नहीं हो उसे, अब उगाते नहीं हो तो यहाँ आता भी नहीं है। जो लोग इनको लगातार खा रहे हैं गांव में, उनको नहीं है शुगर, उनको नहीं है बीपी, ठीक है। तो बाकी मैं बताएंगे उसके बारे में और जो इसके फायदे हैं। बताया वैसे जैसे ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, इसे बहुत भरे भरे हुए रहते हैं।